तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास सेवेंथ वसंत का चैप्टर नंबर 2 दादी माँ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर लेखक अपनी दादी के बारे में बताते हैं। तो जो लेखक थे वो अब थोड़े बड़े हो गए हैं और उन्हें कभी कभी अपने गांव के घर की याद आती रहती थी, और वो ऐसे ही याद करके जब अपने गाँव के घर की याद करते थे तो उन्हें दादी माँ की याद तो ज़रूर ही आया करती थी, क्योंकि उनका दादी माँ से बहुत गहरा लगाव था। आज अचानक उनको एक खबर मिलती है। उस खबर के अंदर ये लिखा होता है कि दादी माँ अब नहीं रही, दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उनकी आँखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है उन्हें। लेखक अपने पुराने दिन याद करने लगते हैं। वो दिन याद करते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घास से सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। तो ऐसा होता था कि उनके गांव के अंदर पानी भर जाता था, तो उधर है ना, जब पानी भरता था ना तो आसपास से घास वगैरह भी बहकर आ जाती थी। तो वो जब घास सड़ती थी ना तब बहुत ही गंदी सी स्मेल या फिर एक अजीब सी महक जिसे बोल सकते हैं हम लोग, वो आया करती थी। इस मौसम में झाग वाला पानी जो था वो तालाब के अंदर आ जाता था, मतलब जो तालाब था उसका पानी के अंदर झाग झाग आ जाता था। और जो बच्चे थे उन्हें नहाना बहुत मज़े आते थे नहाने में इस पानी के अंदर, मतलब ये जो झाग वाला पानी था बच्चों को लगता था अरे यार बड़ा मज़ेदार लग रहा है, ये तो बबल्स हैं पानी के अंदर, चलो कूदते हैं नहाते हैं। और लेखक ऐसे ही एक दो बार इस पानी के अंदर नहाने चले गए और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। जो दादी थी दिन रात जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनकी चारपाई के पास बैठी रहती थी और हाथ पैर छूकर उनका टेम्परेचर, मतलब कि ज्वार का अनुमान करती थी। मतलब उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, अगर किसी को बुखार आ रहा होता है तो उसका शरीर गर्म हो जाता है, तो दादी वही छू छू के चेक करती थी। पंख झुलाती, मतलब पंखे से उन्हें पंखा उनको करती रहती थी, मतलब पंखा चलाती रहती थी हाथ से। पहले तो ये वाले पंखे नहीं थे जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, गाँव वगैरह के अंदर लकड़ी के पंखे हुआ करते थे। लेप करा करती थी उनके। बीमारी दूर करने की विशेष प्रकार का भोजन बनवाती और बीमारी दूर हो जाए इस टाइप का वो क्या करती थी, भोजन भी बनवाया करती थी लेखक के लिए। उन्हें गांव की 500 किस्मों की दवाइयों के नाम याद थे, मतलब अलग अलग तरीके की जो दवाइयां थी उनके भी नाम उन्हें याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, अगर कोई बीमार हो जाता था गाँव में तो वो उनके पास पहुँच जाती थी और अपनी सारी जो भी दवाइयाँ होती थी वो उसकी शुरू कर देती थी कि अच्छा इसको बुखार है चलो ये दवाइयाँ दे दो। अब तो लोग डॉक्टरों के पास जाते थे लेकिन यहाँ पर देखो दादी माँ ही सबका इलाज कर रही हैं। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ बहुत खुश हो गई, उनका उत्साह देखते बनता था। यूं वह कोई काम ना करती थी, मतलब कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन कोई भी काम उनके बिना होता था तो ये देखा जाता था कि उसके अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है, विलंब हो जाता था। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसे के लिए रमी की चाची पर कठोर पूर्वक बिगड़ते देखा। तो मतलब क्या हुआ कि जो दादी थी उन्होंने अपने पैसे दिए थे किसको, रामी की चाची को दिए थे, तो वहाँ पर उन्होंने उसका इंटरेस्ट मांगा था। इंटरेस्ट को बोलते हैं हम लोग सूद, तो उन्होंने सूद मांगा था, तो वो सूद मांग रही थी लेकिन वो सूद देने को तैयार नहीं थी, तो दादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बिगड़ते मतलब कि उन्हें गुस्सा आ रहा था, बिगड़ना मतलब वो वाला नहीं कि कुछ गलत काम कर रही थी, वो मतलब गुस्सा आ रहा था उन्हें। वहाँ जो वो थी औरत थी रामी, जो वो औरत थी वो काफ़ी ज़्यादा, चाची थी जो रामी की, वो काफ़ी ज़्यादा वो रोने लगी, आंसू आ गए उसकी आंखों के अंदर। और जो दादी थी वो बिल्कुल भी उसको माफ़ नहीं कर रही थी, वो बार बार बोल रही थी कि दादी माँ मुझे प्लीज़, मेरी बेटी की शादी है और मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी, आप प्लीज़ पैसे छोड़ दो। तो जो दादी थी वो बोल रही थी नहीं मैं पैसे तो छोड़ने नहीं वाली। जब लेखक ये सब देख रहा था तो उसे ये लगता है कि यार दादी तो बहुत गलत कर रही हैं, तो वो वहाँ से चले जाता है, उससे ये सब देखा नहीं जाता। कुछ दिनों बाद जो रामी की चाची थी
वो लेखक को ये बताती हैं कि दादी माँ ने उनका सारा कर्जा माफ़ कर दिया, मतलब जो भी पैसा उन्होंने लिया था वो सब माफ़ कर दिया और 10 रुपये उल्टा और दिए, और 10 रुपये देकर बोला कि अपनी बेटी की शादी अच्छे से करो और ये लो 10 रुपये लो, इससे तुम्हारी बेटी की शादी में मदद होगी। तो अब देखो, अब 10 रुपये की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन पहले ज़माने में 10 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारा सामान आ जाता था 10 रुपये से। ये घटनाएँ दादी के बारे में ये बताती थी कि जो उनका प्रशासनिक प्रवृत्ति थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट थी, प्रशासनिक मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी क्वालिटी थी वो बताती थी कि वो जल्दी किसी के ऊपर सॉफ्ट नहीं होती थी, मतलब उनको थोड़ा डांट भी दिया, उसके बाद कोमल स्वभाव भी दिखा दिया उनका, मतलब कि बाद में उसके पैसे भी माफ़ कर दिए, उल्टा उसे पैसे और दे दिए, उसकी हेल्प भी कर दी। तो जो लेखक थे उनको ये लगता था कि दादी जो हैं ये सबसे ज़्यादा उन्हें ही प्यार करती हैं, सबसे ज़्यादा ये लाडले हैं दादी के, और उनको ये भी लगता था कि मैं किसी भी टाइप का अपराध कर लूं, मतलब मैं कोई भी क्राइम कर लूं, मैं दादी माँ की छाया में खड़े होकर बच जाऊंगा। तो यहाँ पर लेखक को ये सारी चीज़ें लगती थी जब तक उसकी दादी थी। जब दादाजी की मृत्यु हुई तो दादी माँ बहुत उदास रहने लगी। जो धोखेबाज शुभचिंतक थे उनकी वजह से भी वो काफ़ी परेशान थी। लेखक के जो पिता थे उन्होंने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए। अब श्राद्ध क्या होता है, किसी की डेथ के बाद कुछ पूजा वगैरह कुछ रिचुअल होते हैं हिंदू कल्चर के अंदर, उसे बोलते हैं हम लोग श्राद्ध, उसके अंदर उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया। एक शाम जब बहुत कड़ाके की ठंड थी तब दादी नहाकर गीली धोती पहने संदूक मतलब कि एक बक्सा होता है, संदूक के ऊपर एक दिया उन्होंने जलाया और हाथ जोड़े बैठी थी, मतलब हाथ जोड़कर बैठ गई दिया जलाकर, ठीक है। उनकी आंखों में आंसू थे, ये देखकर लेखक से रहा नहीं गया, वो उनके पास गए और बोलते हैं दादी दादी आप ऐसे क्यों रो रही हो और रोने का कारण मुझे बताओ प्लीज़ दादी, क्या बात है। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन जब लेखक ने देखा तो दादी ने दादाजी की दी हुई आखिरी निशानी जो कि सोने के कंगन थे वो संदूक से निकालकर लेखक के पिताजी को दे दिए। लेखक के पिताजी को वो कंगन इसलिए दिए थे दादी ने जिससे कि वो जो कंगन थे उनको देकर वो अपना कर्जा चुका सके। लेखक की जो दादी माँ थी उनको देखा जब ऐसा करते हुए लेखक ने तो उन्हें वो एक देवी जैसी लग रही थी, उन्हें लग रहा था कि अरे ये तो भगवान जैसी हैं, देखो कितना सैक्रिफाइस कर रही हैं, हमारे लिए क्या कुछ चीज़ें दे रही हैं। लेखक अब अतीत मतलब अभी जो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे थे तो वो पास्ट में चले गए थे, अतीत में चले गए थे, अब उससे वो वर्तमान में मतलब अब दोबारा करंट सिचुएशन के अंदर लौट जाते हैं। बड़े भाई ने जो पत्र लिखा था जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि दादी अब नहीं रही, वो अभी भी लेखक के हाथ में था और वो कप रहे थे उनके हाथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको बुरा लग रहा था, बहुत हिम्मत नहीं रही थी अब उनके अंदर। जब वो दोबारा उस पत्र की तरफ देखते हैं तब वो दोबारा उसे पढ़ते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि दादी माँ सचमुच में नहीं रही। तो स्टूडेंट्स यहीं पर ख़त्म होती है ये स्टोरी, ये थी इस पूरी पाठ का सारांश। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो, बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।